गुड मॉर्निंग बच्चों, ये देखिए क्लास फर्स्ट की इंग्लिश। आगे हम देखते हैं, हमने कल जो स्टार्ट किया था, आज जो हमारी जो डेट है वो है हमारी 16 जुलाई। ये देखिए यहाँ हमने डाल रखा है 16 जुलाई, क्लास फर्स्ट। हमने ये यहाँ जो कल स्टार्ट किया था चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, द टाइगर एंड द पर्सीमन, तो वो हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ स्टॉप किया था। और इसके आगे आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से रीडिंग। सभी बच्चे अपने बुक्स को ओपन कर लें और मेरे साथ फिंगर टच करके रीडिंग करने की कोशिश करें और उसे समझने की कोशिश करें। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर है शी वॉज टेलिंग टू द लिटिल बॉय। उसने कहा, शी वॉज टेलिंग टू द लिटिल बॉय, जो ग्रैंड मदर थी, शी मिस ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर छोटे से लड़के से बोल रही थी। अब क्या बोल रही थी? हश। तो वो कह रही थी, चुप करने के लिए कह रही थी, हश। फिर आगे वो बोला, उसने डोंट क्राई सो लाउडली, रो मत, इतनी तेज मत रो। द नास्टी स्ट्रिप टाइगर विल हियर एंड कम टू गेट यू। तो ये कह रहा है, ये जो दादी मैं छोटे बच्चे से लड़के से क्या कह रही थी, नास्टी स्ट्रिप टाइगर मतलब बुरा सा, बहुत भयंकर सा जो टाइगर है, स्ट्रिप टाइगर मतलब धारीदार जो टाइगर है, वो यहाँ आ जाएगा और तुमको यहाँ से ले जाएगा आके। तो द टाइगर वॉज मच सरप्राइज, टाइगर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, चौंक गया। ही थॉट डैट, उसने सोचा कि ही हैड क्रैप्ट इन टू द हाउस सो स्टेथली, कि उसने ये सोचा कि मैं इस घर में इतने धीमे से आया, इतने दबे पाँव आया हूँ इस घर के अंदर, चुपचाप से आया हूँ, तो भी देन में सो भी, हाउ डिड द ग्रैंड मदर कम टू नो। तो ग्रैंड मदर को कैसे समझ में आ गया, उसको कैसे पता चल गया डैट ही वॉज देयर, कि वो वहाँ पर है। हाउएवर, चलो जो भी कुछ है, ही रिमाइंड, उसने फिर से विचार किया, देयर बिहाइंड द बुश मतलब बुश के पीछे खड़े होकर उसने विचार किया, वेटिंग फॉर अ चांस टू पाउंस अप ऑन द बॉय, मतलब उसको छोटे से बच्चे को झपटने के लिए उसने चांस देख रहा था कि कैसे भी उसे चांस मिल जाए, उसका वो वेट कर रहा था। तो ये देखिए अब आगे बढ़ाते हैं, द लिटिल बॉय, छोटा लड़का, हाउ एवर पेड नो हीट, किसी भी तरीके से उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया या पे अटेंशन नहीं किया, मतलब कोई भी उसने अपना रिएक्शन नहीं दिया दादी माँ जब उसे इतना चुप करा रही थी। फिर ये कह रहा है टू द ग्रैंड मदर, मतलब किसको, ग्रैंड मदर को, ही कंटिन्यूड, उसने कंटिन्यू रखा, टू वेल लाउडली मतलब तेजी से रोना उसने कंटिन्यू रखा, वो लगातार रोता ही रहा। द ग्रैंड मदर देन सेड, तब ग्रैंड मदर ने फिर से कहा, नाउ लिटिल वन, अब छोटे बच्चे, डू स्टॉप क्राइंग, अब चुप, रोना बंद करो, सी देखो, आई हैव अ ड्राइड पर्सीमन हियर, मेरे पास एक ड्राइड पर्सीमन है। ड्राइड पर्सीमन क्या होता है, एक एक तरीके का फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट, रेड कलर का। तो उस दादी माँ ने उसको इस तरीके से बोला, एट वंस, तुरंत ही द चाइल्ड स्टॉप्ड क्राइंग, लड़के ने, छोटे बच्चे ने रोना बंद कर दिया। द टाइगर वॉज सो एस्टोनिस्ड, टाइगर जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया, चौंक गया। तो डैट ही बिगन टू थिंक, और तब वह सोचने लगा, वैन द ओल्ड मैन वुमेन ट्राइड टू स्कार द बॉय बाय सेइंग डैट अ टाइगर वुड गेट हिम, जब जब जो ग्रैंड मदर है उसको चुप कराने का प्रयास कर रही थी, ये कह के डरा के कि यहाँ टाइगर आ जाएगा तुमको ले जाएगा, ही पेड नो हीड, तो उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। बट लेकिन और ड्राइड पर्सीमन स्टॉप्ड हिम क्राइंग एट वंस, लेकिन जो एक ड्राइड पर्सीमन था उसकी वजह से वो तुरंत रोना बंद कर दिया उसने। देयरफोर तो द ड्राइड पर्सीमन मस्ट बी समथिंग वेरी फ्राइटफुल, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मेरे टाइगर कह रहा है कि जो पर्सीमन है, ड्राइड पर्सीमन, वो कुछ ज़्यादा ही फ्राइटफुल है, बहुत ज़्यादा फ्राइटफुल है, मीन्स डरावना है, मुझसे भी ज़्यादा डरावना है, वो इस तरीके से सोचने लगा। एंड ही स्टार्टेड गैसिंग वॉट इट कुड बी,
और फिर उसने स्टार्ट किया कि ये आखिर है क्या। उसने सोचा ये क्या हो सकता है। वो अब इस शॉक्ड में हो गया है, वो जो टाइगर था, जबकि टाइगर से सब डरते हैं, लेकिन यहाँ टाइगर खुद अपने आप में डर के बैठ गया कि छोटा बच्चा, ये जो छोटा बच्चा है दादी माँ के कहने पर कि टाइगर है, तो उससे चुप नहीं हुआ। लेकिन दादी माँ ने जैसे ही कहा परसीमो ने, तो वो परसीमो ने तो वो चुप हो गया। तो अब इस टाइगर को ये समझ में आया कि मुझसे भी डरावना, को मुझसे भी भयंकर कोई है यहाँ पर, जिसको वो परसीमन का नाम दे रहे हैं और जिससे वो बच्चा डर रहा है। तो बेटा ये आज की आपकी यहाँ से यहाँ तक हमने स्टडी रीडिंग की है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसका जो चैप्टर की जो समरी है। तो आपका जो होमवर्क बनता है, आपका ये यहाँ से होमवर्क बनता है, ये देखिए मैंने 16 जुलाई होमवर्क रीडिंग डाल दिया है क्लास फर्स्ट के लिए। तो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग से यहाँ तक स्टॉप तक आपको रीड करना है और अच्छे से समझना है, और जो आगे का वर्क रहेगा हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।